ऑलराइट जी, वी आर बैक। हम कोशिश कर रहे थे कि राहिल को किसी तरह कह दें कि यार हमारे शो पे फोन करें तो आपके लिए ओ बैंड की एक परफॉर्मेंस हो जाती। ऑफ कोर्स राहिल सिंगिंग ऑन द फोन एंड यासिर प्लेइंग द गिटार्स राइट ऑन द शो। बट एनीवे, वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग कि आजकल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द सन एंड द हीट एंड एवरीथिंग, योर स्किन बिकम्स रियली रियली नास्टी। ओके, सो इफ यू वॉन्ट क्लियर स्किन एंड इफ यू वॉन्ट योर कि आपका रंग जो है वो साफ सुथरा रहे और अच्छा रहे और आप काले ना हो, so there is one thing that gives you both, okay, clear fairness chahiye, so just use Fair and Lovely because that is one product out in the market that is providing you both the things. Clear fairness, very important. Acha, uske alawa itne saare logo ne line hame bheji hai, lekin pehle hum log call lenge. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikum assalam. Kaun baat kar rahi hai? Nisha baat kar rahi hai Karachi se. Nisha, kya haal hai? Main theek hoon, aap sunaye? Bilkul khair se. Nisha, aap Yasir se koi kuch puchna chahoge? यासिर से? हाँ, आप गिटार बहुत ही अच्छा बजाते हैं एंड राहिल और आप लोग साथ ही आप लोग की जोड़ी अच्छी लगती है और मुझे पूछना था, आप लोग एफएम में आते हो ना, रेडियो पे आते हो? हाँ, नजर आते हैं। हाँ, आते हैं, आते हैं। मतलब टाइमिंग क्या है? चैनल हमारा है 600666। टाइमिंग पूछ रही हूँ। हम राहिल आता है 96 पे। अच्छा, हाँ, FM 96। और टाइम क्या क्या टाइम स्लॉट है? टाइम है उसका 10 से 12 फ्राइडे 10 टू 12। और आपका? और मेरा है 8 से 9। हाँ, ठीक है, फ्राइडे को 8 से 9 तो आप जरूर सुनना। अच्छा मिश्रा, मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई लाइन है जो आप हमें देना चाहोगे अभी शो पे? टैग लाइन? दो लाइन है, बताओ। तीन है। ओके, एक है आग रॉकन और दूसरी है आग लगे रहो और तीसरी आग जरूरी है। आग जरूरी है। ओके, चलो डन है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिशा। लिसन प्लीज। जी हेलो। जी मैं कहती कि मेरे पास गिफ्ट नहीं आया फेयर लवली का। फेयर लवली का गिफ्ट नहीं पहुंचा आपको? अपनी शो ऑपरेटर से बात करें, वो आपको डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहिए फेयर लवली का गिफ्ट। अभी मैं देती हूँ, तुम रुको। अच्छा जी, एक और आई है लाइन। हाँ बताओ। आग। तुम फंसवाओगे हम दोनों को, है ना? बिल्कुल पिटवाने वाला सीरियस का। हाँ, यानी अच्छा, कल बड़े मजेदार किस्म की लाइन थी, मैं तुम्हें उनमें से कुछ बताती हूँ। एक था म्यूजिक का तड़का। अच्छा। फिर था कि म्यूजिक मसाला, फायर ऑफ द यूथ, द वन एंड ओनली पाकिस्तान म्यूजिक फैक्ट्री। ठीक है, नौजवानों की आवाज, नौजवानों की पहचान। फिर था कि कीप इट कीप्स यू एडिक्टेड, नौजवानों के दिल की आग। लिव योर पैशन, कॉन्कर द यूथ, द एसेंस ऑफ यूथ। ठीक है, बहुत सारी लाइंस हैं जिसमें से आज हमें चार विनर्स पिक करने हैं, जो मैं एसएमएस वालों के अभी अनाउंस कर देती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। या एक और परफॉर्मेंस का टाइम है या क्या सीन? नहीं, बस करो यार, थक गया हूं। अच्छा जी, पहले ठीक है, पहले हम लोग जो है परफॉर्मेंस एंड पे कराएंगे, इस पे एंड करेंगे शो। तो आप सोच लें कि आप क्या प्ले करना पसंद करेंगे। मुझे आया है वर्दे का मैसेज, आया है जो मैंने पिक किया है एज अ विनर। सो वर्दे, कांग्रेचुलेशंस। ये जिन्होंने कहा है कि आर द बीट बॉक्स ऑफ द नेशन, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी कूल, वेरी फंकी। और एक और मुझे जो मैसेज अभी मैंने पढ़ा था, यासिर को भी पढ़ के सुनाया था, सिद्रा ने भेजा था, इंस्पिरेशन ऑफ द यूथ, बर्न योर सोल एंड रॉक द वर्ल्ड, टेंशन खलास जब आग हो पास। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, है ना? ये तो विनर बनते हैं। तो दो विनर्स हमने एसएमएस से पिक किए हैं और अभी जो है दो विनर्स हम किसको पिक करें यार? एक हमने सोचा है कि म्यूजिक का तड़का बड़ा मजे का था, और एक ये एसेंस ऑफ द यूथ। अच्छा, तो हमारे जो कॉल के थ्रू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो विनर्स हैं। हैदर, जिन्होंने कल कॉल किया था मुल्तान से, जिन्होंने एक लाइन दी थी म्यूजिक का तड़का, आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। और फहद ने कहा था द एसेंस ऑफ द यूथ, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और लाइंस तो सबने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी भेजी थी, लेकिन अब वो जो सारे मिलके वोटिंग करते हैं ना नीचे, मुझे उनकी भी सुननी पड़ती है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू ऑफ कोर्स यासिर जे, मुझे ये बताओ कि अभी मजीद फ्यूचर में आपने क्या क्या करना है? आपने वीजिंग कर ली, आर्जिंग कर ली, आपने म्यूजिक प्ले कर लिया, व्हाट एल्स इट इज दैट यू वांट टू डू, व्हाट एल्स इट इज दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर फॉर योरसेल्फ? यार मुझे सीरियसली म्यूजिक करना है एक दफा। ओके, सीरियसली म्यूजिक क्या होता है मुझे बता। सीरियस होके नहीं किया ना कभी भी। अच्छा, तो यानी डू यू आर यू लुकिंग एट योरसेल्फ एज जस्ट अ गिटारिस्ट या क्या? अगर म्यूजिक की म्यूजिक जो है वो फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल, अगर आप देखा जाए ना तो आपको पूरा वक्त देना पड़ता है उसको। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जगह जॉब भी कर रहे हो, फिर और चीजें भी कर रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होती है आपको, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और चीजें होती हैं। और अब तो मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बड़ा बहुत सारी चीजें ईजी हो गई हैं।
तरह प्रोडक्शन हो गई है, आप घर में भी एक होम स्टूडियो बना सकते हैं छोटा मोटा, उस पर नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। तो इजी हो गया, लेकिन ये कि आपको टाइम देना पड़ता है। तो किस तरह का म्यूजिक करना चाहोगे तुम? आर यू मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स रॉक म्यूजिक या तुम पॉप? यार रॉक म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन अपनी रूट्स को ना छोड़े इंसान। ओके, तो थोड़ा हमारी ट्रेडिशनल और जो भी फोक है वो होना चाहिए उसके अंदर, फील क्लासिकल हो जाए या कुछ भी। यू आर नॉट ए वोकलिस्ट, तुम गाते तो खुद नहीं हो, तो फिर तुम हाउ इज इट गोइंग टू बी तुम्हारे लिए? आर यू गोइंग टू बी लाइक Everything is going to be yours. तुम वोकलिस्ट किसी को लोगे या तुम instrumental रखोगे? Of course यही होगा। नहीं नहीं, instrumental तो मैंने किए हैं, बहुत सारी चीजें मेरे को पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन वो उसका यहाँ पे तुम्हें पता है कोई स्कोप नहीं है या कुछ भी नहीं हो सकता उसका। आप ज्यादा एक वीडियो बना के अपना शौक पूरा कर लें तो वही चीज हो सकती है। उसके अलावा ये कि जाहिर सी बात है आपको एक बैंड ज्वाइन करना पड़ता है उसके लिए, या वोकलिस्ट चाहिए होता है प्रॉपर एटलीस्ट। तो कोई वोकलिस्ट दिमाग में है जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ दिस इज समबडी आई कैन वर्क? फिलहाल तो राहील ही है। राहील को द फुल, अभी मैं तुम लोग की वीडियोस इन देख रही थी, मुझे एक हंसी भी आ रही थी देख के कि तुम लोग वाकई लग रहा है कि स्कूल में बैठे हो और तुम्हारे टीचर पीछे से फुल ना रूलर करा रहे ठा ठा एक पढ़ रही है दोनों को। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सीरियसली म्यूजिक करना है तो कितने अरसे में देख रहे हो करोगे? डेफिनेटली यार नेक्स्ट 2 years में कुछ ना कुछ तो करना है। डेफिनेटली बिकॉज he is somebody who should definitely do music, jis tarah se keh rahe ki seriously aap pura time devote kare music ko, because I know ki Yasir ki kitni potential hai, not just as a guitarist but also as somebody who does production, theek hai na? To iska sound aur iski, because I know to bahut sare log jo inka music sun chuke hain unko bhi ye is cheez ka andaaza hoga. But anyway, ek aur call hai hamare paas ya hum performance lenge? Acha ji, final cheez main aap log ko bata dun, aaj hamare paas jo hai bahut sare logon ne lines bheji and बैक मैं थोड़ा सा इग्नोर मार गई, सॉरी भूल जाती हूँ। वजीह लिखती हैं फैसलाबाद से, हाय नवीन हाउ आर यू, थैंक यू फॉर पिकिंग मी एज अ विनर, बट व्हेन आई विल गेट माय गिफ्ट्स? जल्दी मिल जाएंगे, देखिए आपको मिल जाएंगे, फिक्र नहीं करें। अच्छा उसके अलावा मुझे लिखा है, फुरकान ने लिखा है, इट्स अ कूल एंड वेरी छकास शो, आई लव इट एंड आई लव हु वर्क्स इन इट। मेरा नाम लिखते हुए आपको क्या यानी अजियत हो रही थी? नवीन नाम है मेरा, सिंपल सा। आसिफ लिखते हैं कराची से, सलाम नवीन, व्हाट्स अप? मुझे मालूम करना है कि लास्ट मंडे का कंपटीशन में मैं नहीं जीता या नहीं, और अगर जीता हूँ तो कब तक मिलेगा प्लीज? इनको तो पता ही नहीं कि जीता या नहीं, तो क्या चला रहे यानी? हाँ लग जाए, हो सकता है घर पे आ जाए। हाँ और सुने, जाग जाए थोड़ा सा, जाग जवान प्लीज अल्लाह के वास्ते। नवीन लिखते हैं, हाय नवीन कैसी है? मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट छोड़ता रहता हूँ, आप मेरी पोस्ट पर कमेंट नहीं छोड़ती हैं क्यों? देखें मुझे जो पोस्ट उस वक्त नजर आती है मैं उससे उसी पे कमेंट छोड़ के भाग जाती हूँ। आप अपना एड्रेस भेज दें, ये डाकिया भेज दें। सही है, ये मेथड मैं अप्लाई कर दूंगी। और लास्ट टाइम मेरी कॉल पहली मरतबा लगी थी सो मैं बहुत कंफ्यूज था, अब किसी लाइव शो में मैं नहीं की है ना, इसलिए कोई बात नहीं। अरे यार होता है, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम तो सब कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, हम लोग खुद भी कंफ्यूज चल रहे थे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यासिर, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल योर फैंस जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है और यार सबका किया हुआ है कि मैंने एक सिंपल सी बात बता दी, इंशाल्लाह जून के अंदर हम आ रहे हैं वापस और दोबारा से मस्तियां और सब कुछ शुरू हो रहा है, तो तुम लोगों ने दोबारा स्विच करना है हमारे शो पे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई शो आपका है। हाँ। तो हमारी ये लाइन है हमेशा से, तो जो तुम लोगों को पसंद है वो तुम लोग कर सकते हो उस शो पे। Alright, खुली छूट है हमारे पास। टुडे वी हैड यासिर, ऑफ कोर्स somebody who has been a VJ, he's been an RJ, म्यूजिक ये कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने आप लोगों को बताई हैं। डोंट वरी, यासिर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज गोना बी कमिंग बैक ऑन आवर टीवी, अपने शो करेंगे तो सारे लोग इत्मीनान। कब कर रही हो म्यूजिक ये तो बताओ मुझे? मैंने म्यूजिक छोड़ दिया। हाँ टोटली, बट हमने कितने जैमिंग किए हैं यार, बहुत अरसा हम लोग जो जब एक टाइम था जब हम सारे फालतू थे। टैलेंट को क्यों वेस्ट कर रहे हो ये बताओ यार। बस अब ये है कि मैं थोड़ा सा अपना करियर शिफ्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, और सिंगिंग अभी थोड़ी सी होल्ड पे रख के आई वांट टू डू दुकान खोल रही हूं। नहीं जूते मेरे पास, वैसे जूतों की कमी है, मुझे जूतों की दुकान खोलनी हुई तो मुझे बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे पहले। बट कमिंग बैक टू यू नो म्यूजिक का आजकल ये है कि आई डोंट वांट